जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत उइके एवं जिला हिवताप अधिकारी डॉक्टर अदिति त्याडी ने बताया कि डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर की मादा द्वारा फैलता है। जुलाई डेंगू के लिए संक्रमण काल है। जून से मानसून की शुरुआत के साथ कीट जनित रोगों के संक्रमित प्रकोप को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर सतर्कता उपाय किए जाने की आवश्यकता है। समय से पहले पूर्व संचरण की आवश्यकता है। डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है। डेंगू के विषाणु का निदान करना एवं रोगी के शरीर का उपचार करके पूरी बीमारी को मिटा देना, बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के अंदर एवं बाहर खाद के गड्ढों में मैथालियन पाउडर खरीदना आवश्यक है। सीवेज पाइपों में जाल लगाना। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का भंडारण किया जाता है। पानी को बर्तन एवं पैन में रखा जाता है। पानी बर्बाद होने के डर से इसमें और पानी डाला जाता है। इस पानी में डेंगू प्रसारक एडिस इजिप्टाई नामक के मच्छर पैदा होते हैं। इससे डेंगू व चिकनगुनिया बुखार का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए पानी के भंडारण के बर्तनों को सप्ताह में एक बार साफ करके पोंछ कर साफ करना चाहिए। पूरे जिले के प्रत्येक गाँव में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा गृह यात्राओं की योजना बनाई जाती है। डेंगू विरोधी जागरूकता अभियान में स्थानीय स्वशासी निकाय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी अमूल्य है। डेंगू नियंत्रण को जन आंदोलन बनाने में सभी के सहयोग की अपेक्षा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब वेबसाइट ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।